दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे। ये शब्द हैं देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के, जिन्होंने न केवल खुद को देश पर न्योछावर किया बल्कि वह दूसरे लोगों में भी आजादी की भावना भरने में कामयाब रहे। और यही वजह थी कि भारत की स्वतंत्रता में उनका एक अलग ही स्थान है। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजादी भारत के वो जावाज योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के जीते जी हाथ नहीं आए थे, और वह दिखावे से ज्यादा कर्म में विश्वास करते थे। और शायद यही वजह है कि उनकी सिर्फ एक दो तस्वीरें ही हमारे पास हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद की पूरी कहानी जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों को भारत से भगाने की चिंगारी उनके अंदर बचपन से ही जलने लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई 1906 से, जब ब्रिटिश इंडिया के भावरा नाम के एक गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। और जन्म के समय उनका असल नाम चंद्रशेखर तिवारी, वहीं उनकी पिता का नाम सीताराम तिवारी और मां का नाम जगशनी देवी था। और वैसे तो उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव से था, लेकिन वहां पर पड़ रहे अकाल की वजह से वे सभी लोग मध्य प्रदेश के भावरा नाम की जगह पर आकर बस गए थे। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद शुरू से ही विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनको ना तो अंग्रेजों की गुलामी मंजूर थी और ना ही अंग्रेजों का भारतीयों पर जुल्म ढाना। और इन्हीं जुल्मों से तंग आकर अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए चंद्रशेखर के मन में चिंगारी बचपन से ही जलने लगी थी। और क्योंकि वह एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे, तो इसीलिए उनकी माँ चाहती थी कि वह काशी जाकर संस्कृत की पढ़ाई करें। लेकिन यह बात ना तो चंद्रशेखर आजाद को मंजूर थी और ना ही उनकी किस्मत को, क्योंकि इसी बीच 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें लगभग 1600 से ज्यादा मासूम लोगों की हत्या कर दी गई थी। अंग्रेजों की इस क्रूरता ने पूरे देश को दहला दिया था, साथ ही हर किसी के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत कई गुना बढ़ गई थी। और इसी घटना ने चंद्रशेखर आजाद के अंदर छुपे हुए क्रांतिकारी को बाहर लाने का काम किया। और फिर 1921 यानी कि महज 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया। इसी आंदोलन के दौरान बहुत सारे देशभक्तों के साथ उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। और फिर गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा और चंद्रशेखर ने अपने उत्तर में कहा उनका नाम है आजाद। और फिर पिता का नाम पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया स्वतंत्रता। और फिर आखिर में जब उनसे उनका पता पूछा गया तो उनका जवाब था जेल। और यह जवाब सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी भारतवासी तो काफी खुश हुए, लेकिन अंग्रेजी अफसर और मजिस्ट्रेट तिलमिला उठे। और फिर इन जवाबों के लिए उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा दी गई। हालांकि यह सजा एक 15 साल के बाम बच्चे के लिए तो कठिन हो सकती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो कोई आम बच्चे नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर तो देश के ऊपर सब कुछ न्योछावर करने का जुनून सवार था। और इसीलिए कोड़े पड़ने के साथ भी उनके मुख से आह निकलने की वजह भारत माता की जय निकलता था। और फिर इसी घटना के बाद चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद बुलाया जाने लगा। और फिर 1922 में जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, तब इन्होंने अपने हिसाब से काम करने का निर्णय लिया। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मन्मथ नाथ गुप्त नाम के एक युवा क्रांतिकारी से। और फिर गुप्त के माध्यम से ही आजाद मिले रामप्रसाद बिस्मिल जी से, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक थे। और बिस्मिल साहब चंद्रशेखर आजाद से मिलकर बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने चंद्रशेखर को हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का मेंबर बना दिया। और वहाँ पर उनका मुख्य काम था फंड जुटाने का, जो कि ज्यादातर सरकारी चीजों को चोरी करके ही इकट्ठा होता था। और फिर एक बार को ज्यादा ही पैसे इकट्ठे करने के लिए उन्होंने छोटी मोटी चोरी ना करके पूरी ट्रेन को ही लूटने का प्लान बनाया। और फिर इस प्लान को अंजाम दिया गया 9 अगस्त 1925 को। और दोस्तों, इसी घटना को हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। और इस लूट में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के बड़े बड़े क्रांतिकारी सदस्य ने भाग लिया था। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारियों को तो पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन आजाद वहाँ से बच निकलने में कामयाब रहे और इस तरह से पुलिस उन्हें छू भी नहीं सकी। और फिर समय बीतते बीतते आजाद का कद भी बढ़ता चला गया और वह अब अंग्रेजी हुकूमत के लिए परेशानी का सबक बन चुके थे। हालांकि काकोरी कांड के बाद से HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन एक तरह से बिखर चुका था। इसीलिए 1928 आते आते भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने इस दल का नाम बदलकर HSRA, जिसका मतलब था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। और फिर इसी साल 1928 के एक आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर के अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और फिर जब 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जेल के अंदर बंद थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, तब उस दौरान भी अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देने वाले चंद्रशेखर आजाद ही थे और वह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छुड़वाने के सिलसिले में इलाहाबाद गए हुए थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में वह बैठे हुए थे, तब अंग्रेजी हुकूमत को उनके वहाँ होने का पता लग गया था और फिर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों ने पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया था और आजाद के पास इतने भी हथियार नहीं थे कि वह उनका डटकर सामना कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया और कई अंग्रेजी सिपाहियों को मार गिराया। हालांकि जब उनके पास एक ही गोली बची तब वह रुक गए और उन्होंने खुद को ही गोली मार ली ताकि वह अंत में भी अंग्रेजों के हाथ ना आ सके। इस तरह से चंद्रशेखर आजाद शहादत से पहले भी आजाद थे और मृत्यु के बाद भी आजाद ही रहे। और फिर 24 साल की छोटी सी उम्र में शहीद होकर उन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं में आजादी की ऐसी चिंगारी जलाई जो कि आग में तब्दील हो गई और फिर आखिरकार 1947 में अपना देश आजाद हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी लगी होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।